नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगल का। देखिए, धनु राशि में प्रवेश होने जा रहा है मंगल, जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं और उनका अग्नि तत्व राशि में ही प्रवेश होने जा रहा है। और अपनी मित्र राशि में, चूंकि धनु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि में मंगल जाएंगे। मंगल का यह परिवर्तन कई मामलों में बहुत ही खास होगा, क्योंकि मंगल जो है वो कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। अगर आप भाग्य को देखें और भाग्य को बदलने के लिए जिस पराक्रम की आवश्यकता है, अगर आप भाग्य को देखें तो वो पराक्रम मंगल है। मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारा साहस है, मंगल लेवल ऑफ एनर्जी है, मंगल जो है वो उत्साह है, मंगल वो सक्सेस है, मंगल वो चीज है जिसके जरिए हम रिजल्ट्स को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मंगल का किसी भी कुंडली में जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस इंसान की कुंडली में मंगल की पोजीशन जितनी अच्छी होती है, उसके पराक्रम, उसका साहस उतना अच्छा होता है। तो मंगल जब भी किसी प्लैनेट के साथ होता है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड एरिया में हमें बहुत ताकत देता है, बहुत एनर्जी देता है उस एरिया में हमें डेवलप करने का। तो अभी देखिए, जब मंगल गुरु के साथ जाएंगे धनु राशि में, तो धनु राशि में मंगल गुरु के साथ होंगे और गुरु जो कि धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, आध्यात्मिक रुचि का कारक है, शास्त्र का कारक है, इन चीजों का कारक गुरु है, तो इन सबको बल प्राप्त होगा। अगर मैं एक जनरल परसेप्शन कहूं तो सबके लिए ये चीज डिपेंड करेगा, सब पर सबके लिए ये चीज इफेक्ट करेगा कि मंगल सबके अंदर, जब तक मंगल गुरु के साथ होगा तो अध्यात्म में रुचि सबकी बढ़ाएगा। अब जो मंगल का यह प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव मेष, कर्क और सिंह राशि पर क्या पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मेष राशि की कुंडली आपकी है, केतु और गुरु यहां पर भाग्य भाव में बैठे हैं। देखिए, जब से गुरु यहां आए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, केतु के साथ गुरु का पावर केतु चार गुना यहां कर रहा है, क्योंकि गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो आपका भाग्य निश्चित रूप से, मेष राशि वाले, अगर कुंडली में कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है तो अभी भाग्य का साथ आपको कंप्लीटली मिलना चाहिए। अब जब मंगल यहां पर आएंगे तो मंगल और गुरु की युति यहां बहुत अच्छी होगी। मेष वालों के लिए लग्नेश है मंगल। लग्नेश हमेशा योग कारक ग्रह होता है किसी भी कुंडली में, और लग्नेश जब नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो भाग्य की सीधे वृद्धि करेगा। अभी वृश्चिक में मंगल आपको उतना योगकारी रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जब 8 फरवरी को मंगल यहां जाएंगे तो भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे, धर्म में वृद्धि करेंगे। देखिए, भाग्य का साथ जितना बढ़ेगा उतना किसी भी इंसान के लिए अच्छा होगा। तो मंगल का यहां होना भाग्य में वृद्धि कराएगा, भाग्य से आपके रुके काम जो भी थे उसको बनाने में मंगल पूरी मदद करेंगे। जहां जहां भाग्य साथ नहीं दे रहा था वहां वहां भाग्य आपका साथ देगा। उसके साथ साथ गुरु के साथ मिलकर के मंगल यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको धर्म से संबंधित देंगे, क्योंकि यह धर्म का घर है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, बहुत सारे अध्यात्मिक काम भी आप कर सकते हैं। मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जाके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि। यहां पर मंगल थोड़े आपको फॉरेन से संबंधित रिजल्ट अच्छे देंगे। मित्र दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो व्यय है, व्यय गलत दिशा में नहीं होगा। अगर व्यय होगा भी, क्योंकि व्यय हाउस ये है, तो मंगल सही अर्थ में व्यय कराएंगे, सही दिशा में आपको व्यय कराएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में योग कारक ग्रह बनकर देख रहे हैं। तो ये सब अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी, मंगल की सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम पर, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। आप अपने पराक्रम से चीजों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, तो भाग्य भी आपके उत्साह और कर्म से बढ़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान यह दुनिया है और कर्म से भाग्य में वृद्धि होती है। मंगल की आठवीं दृष्टि जाकर पड़ेगी यहां पर मंगल की नीच दृष्टि जरूर पड़ेगी, लेकिन चूंकि मंगल इस लग्न में योग कारक है तो यहां पर सुख से जो सुख की स्थिति है, भूमि लैंड प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, तो उन सब चीजों में अगर रुकावटें आ रही है तो वो रुकावटें दूर होगी। आपको लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सुख में मंगल यहां वृद्धि करेंगे। अब चलिए मेष के बाद देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा मंगल का। देखिए, कर्क वालों के लिए मंगल बहुत ही योग कारक बनते हैं कर्क राशि में भी, क्योंकि यहां पर कर्क लग्न में ये फिफ्थ के लॉर्ड होते हैं और टेंथ के लॉर्ड होते हैं प्रोफेशन हाउस के। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट घर के मालिक होकर के, एक त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक होकर के मंगल बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। मंगल अभी भी इस स्थिति में यहां पर अच्छे थे, मंगल अब सिक्स्थ हाउस में यहां पर जाएंगे। देखिए, मंगल सूर्य इस घर में शत्रुहंता होते हैं। जब भी इस घर में मंगल या सूर्य बैठते हैं या शनि या राहु भी बैठता है तो इस घर में शत्रु का विनाश जरूर करता है। तो यहां पर बैठा मंगल आप शत्रु विजय आपको कराएगा, शत्रु पर विजय आप प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर मामले चल रहे हैं तो उसमें मंगल यहां आपको रिलैक्सेशन देगा। यहां से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि मंगल भाग्य भाव पर डालेगा, पराक्रम से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, शत्रु के माध्यम से भी भाग्य की प्राप्ति आपको हो सकती है।
तो भाग्य में यहां पर मंगल वृद्धि करेगा, धर्म में मंगल वृद्धि करेगा और अच्छे रिजल्ट्स मंगल प्रदान करेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि जाकर यहां पर पड़ेगी ट्वेल्थ हाउस पे। तो मैंने यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं, फॉरेन से संबंधित चीजों में मंगल यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर फॉरेन से कुछ काम रुके हुए हैं तो वो बनेंगे, अगर वीजा वगैरह अटका हुआ है तो वो आपका क्लियर होगा, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और व्यय भी मंगल यहां पर कराएगा, तो योग कारक ग्रह होकर के व्यय कराएगा, अच्छी दिशा में आपको व्यय कराएगा। फिर मंगल की जो आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर जाकर पड़ेगी, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हाँ, पेशेंस थोड़ा सा आप डेवलप करिएगा, क्योंकि मंगल की जब भी दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो निश्चित रूप से इंसान आक्रामक भी थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना है, वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। अदरवाइज इसकी दृष्टि यहां पर आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि करेगी, जिससे आप मेहनत अधिक करेंगे और सफलता आपको और आसानी से मिल पाएगी। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भगवान शिव और महावीर बजरंग बली की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना से मंगल बली होगा, शिव की आराधना से आपका लग्नेश और भी रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। अब चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। देखिए सिंह लग्न में भी मंगल बहुत ही योगकारक ग्रह बनते हैं। एक तो सुख भाव के मालिक बनते हैं और दूसरा भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। दो भाव के मालिक होकर के अति योगकारक ग्रह बन करके मंगल यहां फिफ्थ हाउस में आएंगे। बेहतरीन पोजीशन ये मंगल की होगी, बहुत अच्छा पोजीशन ये सिंह लग्न वालों की होगी। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठेगा और केंद्र का मालिक भी त्रिकोण में आकर बैठेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग लेकर के बैठेगा। तो यहां पर बैठा मंगल सबसे पहले सुख भाव और भाग्य भाव दोनों की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि दो भाव का मालिक त्रिकोण में आकर बैठ रहा है। तो सुख भाव में आपकी वृद्धि, सुख से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, लैंड प्रॉपर्टी, वाहन, वाहन भी आप दूसरा खरीद सकते हैं। भाग्य भाव में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ अधिक दिलाएगा मंगल। धर्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल गुरु एक साथ है और धर्म का संबंध नाइन्थ हाउस से भी है, जिसका लॉर्ड मंगल है। उसके साथ साथ यहां पर बैठा मंगल आपके संतान सुख में वृद्धि, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि जाकर यहां पड़ेगी, अचानक धन लाभ के चांस बनेंगे, लेकिन चोट चपेट की थोड़ी सी संभावना रहती है जब आठ अष्टम से मंगल संबंध बनाता है। गाड़ी वाहन वगैरह थोड़ा सोच समझ के चलाएं। सातवीं दृष्टि जाके आय स्थान पर पड़ेगी, ज्ञान भाव में बैठकर आय को देखेंगे, ज्ञान से आपकी आय बढ़ाएंगे और आय में भी वृद्धि करने की कोशिश यहां पर मंगल करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि जाकर के ट्वेल्थ हाउस पर पड़ेगी, एक्सपेंसेस वगैरह सही दिशा में मंगल कराएंगे और फॉरेन से संबंधित चीजें अच्छी देंगे। अगर सिंह लग्न के हैं तो भगवान सूर्य की आराधना करिएगा, सूर्य को प्रणाम करिएगा और हनुमान जी की फिर आराधना करना, हनुमान चालीसा के पाठ से भी मंगल बली होगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन मंगल के गोचर से था। बाकी आप विशेष स्थिति के लिए या किसी विशेष परेशानी में हो तो कुंडली एनालिसिस भी एक बार जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि सभी ग्रहों की महादशा अंतरदशा के साथ ग्रहों की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में, ये सारी चीजें मायने रखती हैं और इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि रिजल्ट्स आपके लिए कैसा रहेगा। तो जहां भी अच्छा लगे आप वहां एनालिसिस करा सकते हैं। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है वहां कंसल्ट करिएगा, और अदरवाइज आपको जहां अच्छा लगे वहां करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।